वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के माता पिता गुरुवार को उनसे मिलने असम की डिब्रूगढ़ जेल में पहुंचे। अमृतपाल सिंह से मुलाकात के बाद उनके पिता ने कहा कि उनका बेटा जेल में चढ़दी कला में है। साथ ही उन्होंने असम सरकार से अमृतपाल के साथ अच्छा सलूक करने के लिए धन्यवाद दिया। जबकि अमृतपाल से मिलने के बाद उनकी मां भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद बेटे से मिलकर अच्छा लग रहा है। हालांकि जब मीडिया ने पूछा कि वो सरकार से क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि सरकार से क्या कहना है, उन्होंने ही तो ये सब किया है, बिना कसूर मेरे बच्चे को सलाखों के पीछे डाल दिया है। हाँ जी, कैसा लग रहा है सर, आज इतने दिन बाद अपने बेटे से मिलकर? बहुत अच्छा लगा है। तो है तो जेल ही होता है, लेकिन फिर भी वो अच्छी अपने चढ़ती कला में रह रहे हैं। थोड़ा प्रशासन भी थोड़ा सही हम लोग को ट्रीट किया, उन्होंने भी, उनका भी धन्यवाद करते हैं हम लोग, शाम गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं। तो बाकी तो आगे तो वकील साहब ने जो आगे का प्रोसीजर है वो तो कानूनी कार्रवाई उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या बात हुआ सर आपसे? नहीं, वो परिवार के सारी राजी खुशी की बात हुई, बाकी जो भी होगी पर्सनल जो हम लोग की बातें थी वो कोई ठीक ठीक ठाक है। क्या लगता है अब कितने दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा? नहीं, ये तो जहाँ तो ऊपर वाला जानता है जहाँ कानूनी कार्रवाई कितना दिन चलती है उसके ऊपर ही अब हम लोग अपना, हम तो सोचते हैं आज ही फ्री हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा ना। वो तो कितना दिन का इधर का दाना पानी होगा उतना दिन चलेगा। हाँ, खाने पीने का सामान लाए थे, उनको दे दिया, वो बोले के चेक करके हम भेज दें, दे देंगे उनको। आप लोगों ने साथ में खाना नहीं, खा लेंगे अभी 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 जाके, कोई नहीं साथ में खाते रहे, कोई नहीं खाना ठीक है। आपके लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। चलो बाकी तो ठीक है, ठीक ठीक है। इतना दिन के बाद आपको देखे अपना बेटे, वो कैसा लग रहा है उनको देख के? ठीक लगा, खुशी हुआ मेरे को मिलके। सही, दो दो ढाई महीने के बाद में हम लोग आज उसको मिले, तो बहुत अच्छा लगा। माता जी से बात करो और बस ऐसे ही दस जो है ना दस आपसे जरूरी है। बढ़िया लगा मिलके, बहुत सोना लगा है ना, 2 महीने बाद मिले आज अपने बच्चे नु, बढ़िया लगा, ठीक ठाक चढ़दी कला चाहो बढ़िया बात है। होई मां पुत्तां दी घरेलू बातां कीतियां, घर दीयां गल्लां मतलब पर्सनल घर दी बात पुछया, घर के बाकी ना ओने पुछया, परिवार बारे पुछया, जदा अहीं भी पुछया भी तू किद्दां रिहा, किद्दां कीता, घर दा पुछया ओने, बाकी परिवार ठीक ठाक। आपको कैसा लगा इतना दिन के बाद? वधिया लगा मिलके, उन्हें 2 महीने बाद मिली आज, मैं बहुत वधिया लगा। ऐसा जो आपको अभी बार बार याद आते रहे, ऐसा क्या बात? याद तो आते रहते हैं, याद तो फिर माँ माँ तो हर टाइम ही आती रही, याद तो आती रही, पर चलो कोई नहीं, वाहेगुरु की कृपा वा सच्चे पातशाह चढ़ती कला चाहे उपर भरोसा, वो जो करूगा वधिया ही करूगा। आपको अपील करेगा क्या है? हाँ, वो तो कानूनी कार्रवाई चल ही रही, वो तो वकील जो करेंगे ठीक है। सरकार ने कोई कहना? सरकार ने तो अगे इन्ना धक्का किया वा, सरकार ने अही की कहना, बिना कसूर तो NSA ला के अंदर देते, सरकार ने अही की कहना, बस जो चलो ऊपर वाले ते भरोसा। अमृतपाल के माता पिता के साथ उनसे मिलने बरनाला के पूर्व सांसद और एडवोकेट राजदेव सिंह खालसा और एक अन्य वकील वृज शर्मा भी पहुंचे थे। राजदेव सिंह खालसा ने अमृतपाल से मिलने के बाद मीडिया के सामने यह बयान दिया कि सरकार ने उनके ऊपर झूठे केस बनाए हैं। अमृतपाल सिंह किसी हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम कानून की अदालत में ये साबित करके रहेंगे कि उन्होंने कोई कानून भंग नहीं किया है। सर क्या बोले? मैं राजदेव सिंह खालसा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट और एडवोकेट भी हूँ। जहाँ जेल का जो इंतजाम है वो बहुत बढ़िया है और जेलर साहब की जो रहनुमाई में अच्छा इंतजाम हो रहा है और जो फैसिलिटीज ला के दोबारा मिलनी चाहिए वो उनको मिली हुई हैं। जो उनके ऊपर केस हैं जो झूठे सरकार ने डाले हैं उनकी हम पैरवाई कर रहे हैं पंजाब में और करते रहेंगे। और भाई अमृतपाल सिंह जो हैं वो अमन अमान से जो है सिख स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो किसी हिंसा में विश्वास नहीं रखते। क्या बोले सर आज अमृतपाल ने आपको? हाँ, यही बोला उन्होंने कि हमारे केसों की पैरवाई उसी तरह जारी रखो और कानून के मुताबिक काम करना है, कानून से बाहर नहीं जाना है
और कानून की अदालत में हम अपने आप को सिद्ध करेंगे कि हमने किसी कानून को फंज नहीं किया। उनके माता पिता भी आज आए हुए थे। हाँ जी, हाँ, माता पिता जो अभी गए हैं, उन्होंने अपनी बात की मेरे से अलग की, मेरी तो लीगल इंटरव्यू थी। आपका नाम? राजदेव सिंह खालसा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, एडवोकेट। मैं संगरूर से एक्स मेंबर पार्लियामेंट हूँ, बरनाला का रेजिडेंट हूँ, बरनाला शहर का, पंजाब में। आज हम अमृतपाल जी के परिवार को अमृतपाल जी से मिलवाने के लिए लेके आए हैं। हम कल से आए हुए हैं, साथ उनके फादर तरसेम सिंह जी हैं, माता जी है बलविंदर कौर जी, और हमारे साथ एडवोकेट राजदेव सिंह जी खालसा जी हैं। आप मतलब कब आए हैं? हम कल यहाँ पे पहुँचे थे और आज हम मुलाकात कर रहे हैं। कल मतलब यहाँ के होटल में रहे जी? आज मतलब कल ही जाएंगे, उनके घर वालों को मिलाना था कि हमारा काम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे वापस। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।